नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। सुबह के 10 बजने को है और 10 का दंगल के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आतंकी तालिबानियों के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मांग रहा नियाजी खान, अब किस तरह घुटनों के बल तालिबान से खुद के लिए गिड़गिड़ा रहा है, इसका पूरा चिट्ठा उसके मंत्रियों ने खोलकर रख दिया। शेख रशीद ने कहा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है उन पर नियंत्रण रखा जाए, कंट्रोल किया जाए, काबू में किया जाए। हमें तालिबान ने इसका भरोसा दिलाया, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में कोहराम मचा चुके तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकियों को अफगान तालिबान ने रिहा करना शुरू कर दिया है, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। डरे हुए सभी अब अपने ही जाल में घिर चुके इमरान खान को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। तो उसके दूसरे मंत्री फवाद चौधरी ने टीटीपी को लेकर हिंदुस्तान को ही बदनाम करना शुरू कर दिया है। अब सोचिए जरा, अब सवाल है कि क्या तालिबान की तारीफ भी इमरान के काम नहीं आई? क्या अफगान तालिबान की चिरौरी कर इमरान खुद के बनाए जाल में अब फंस चुके हैं? तालिबान और तहरीक है भाई भाई, नियाजी को इतनी बात भी समझ में नहीं आई? जब तालिबान के सबसे बड़े खैरख्वाह इमरान खुद हैं तो भारत अफगान की धरती का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? पाकिस्तान में टीटीपी की दहशत से नियाजी ने भारत को बदनाम करना क्यों शुरू कर दिया है? इमरान के काम नहीं आएगी हिंदुस्तान की बदनामी वाली यह साजिश? और क्या तालिबान ही करेगा आतंकिस्तान का काम तमाम? 10 का दंगल में आज बहस इसी बड़े मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पाकिस्तान से ही है। फवाद चौधरी ने भारत पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप जड़ दिया है। तहरीके तालिबान को फंडिंग करने का आरोप लगाया फवाद चौधरी ने। अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान के खिलाफ आतंक फैलाने का आरोप है। पाकिस्तान का कहना है कि अब तालिबान लगाएगा तहरीके तालिबान पर लगाम। तालिबान ने किया उल्टा, 1000 आतंकी काबुल की जेल से तालिबान ने छोड़े। आतंक के धंधे में उल्टा फंसा पाकिस्तान। आतंक का फंडबाज नियाजी धोखेबाज। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। तालिबानी कब्जे के बाद खुशी से झूमे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को अब दिन में तारे नजर आ रहे हैं। जिस तालिबानी कब्जे को नियाजी अफगानिस्तान की आजादी बता रहा था, अब जब वो खुद पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित होने लगा है तो उल्टे फंसे आतंकिस्तान के आका को कुछ सूझ नहीं रहा। अफगानिस्तान से लेकर अजरबैजान तक आतंक सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अब भारत पर आरोप लगा रहा है कि वो तहरीके तालिबान को फंडिंग करता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज काबीना में इस बात के ऊपर भी हमने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत से बाज रहे। हिंदुस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान के साथ, और हमने देखा कि पिछली हुकूमत में हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, और इस वक्त भी एक हम एफर्ट देख रहे हैं जो हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर हमें नज़र आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमन का एक प्रोसेस है, अमन का जो एक अमल है, उसको सबोटाज किया जाए। दरअसल काबुल में आतंकी सरकार बनवाने वाले इमरान खान की तालिबान पर खुशी के इजहार के पीछे है उसकी उम्मीद कि बरादर ब्रिगेड अब तहरीके तालिबान जैसे खतरनाक आतंकी संगठन पर लगाम लगाएगी, अफगानिस्तान में चल रहे तहरीके तालिबान के आतंकियों को जेल में बंद करेगी। पाकिस्तान कमजोर देश नहीं है, उसके पास ऐसी चुनौतियों से पार पाने की क्षमता है। हमें लगता है कि तालिबान अधिकारी टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर एक्शन लेंगे। दरअसल अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान का भाई भाई वाला रिश्ता है। यही वजह है कि काबुल में तख्ता पलट के बाद बरादर ने अब तक मौलवी फकीर समेत तहरीके तालिबान और दूसरे आतंकी तंजीमों के करीब 1000 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। दरअसल तालिबान पर इमरान खान का दांव उल्टा पड़ गया है, अब तहरीके तालिबान और बलूचिस्तान के आतंकी संगठनों ने हाथ मिला लिया है और बरादर ब्रिगेड ने उन्हें पूरी मदद का वादा कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब आतंक के नाम पर भारत को बदनाम कर दुनिया में सहानुभूति पाना चाहता है।
लेकिन आतंक के आका पर अब अमेरिका तो दूर, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम दोस्त भी यकीन नहीं करते। पाकिस्तान अब खुद अपने बिछाए जाल में फंस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए 10 का दंगल में बहस की शुरुआत करें। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान से भी दो मेहमान हमारे साथ हैं, मोहम्मद जफर साहब पाकिस्तान के पत्रकार, अजीम भट्ट साहब ये भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शिवम छाबड़ा बस थोड़ी देर में हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़ने वाले हैं, जुड़ भी चुके हैं शिवम छाबड़ा, और साथ ही रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद जफीर आफी के पास आ रहा हूं, आवाज जा रही है ना साफ? मोहम्मद जफीर जरा ये बताइए कि टीटीपी से पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है? इस सांप को तो आप ही लोगों ने पाला था, अब डस रहा है तो दिक्कत हो रही है। मोहम्मद जफीर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं अजीम भट्ट से ही सवाल लेता हूं। अजीम भट्ट, मतलब जिस सांप को पाल पोस के आपने बड़ा किया, अब उसी से ही घबराहट हो रही है? देखिए बात फिर वही आ जाती, आप इल्जाम तराशी के ऊपर बार बार उतरते हैं। मैं एक महीने से आपको एक बात कहता आ रहा हूँ कि आप प्रोपोगंडा बंद कर, आप अपना प्रोपोगंडा बंद करेंगे आप ही के लिए ही बेहतर है, हमारा कुछ नहीं जाना। ये मैं आपको फिर बड़े क्लियर बात में बता दूं, जहां तक टीटीपी की बात है ना, हाँ। तो टीटीपी ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर कलदम जमात है और उसके खिलाफ एक्शन होते भी रहे हैं और होंगे भी। और सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है, जो अभी आपने, आप तो तालिबान के इतने सगे हैं, आप तो तालिबान के इतने सगे हैं, तालिबान को हर तरीके से आपने मदद की है, तो फिर घबराहट क्यों है? क्यों इमरान खान साहब जाकर वहां गिड़गिड़ा रहे हैं तालिबान के सामने कि भाई टीटीपी से हमें बचा लीजिए? अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए बात ये है कि तालिबान के अगर हम फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर हम उनके साथ हैं या नहीं है और हमने उनको सपोर्ट किया या नहीं किया, ये इसको अगर साइड पे रखें, तो अमरुल्ला साले और ये जो अहमद शाह मसूद वाली नॉर्दर्न अलायंस है, ये ह्यूमन राइट की चैंपियन है जिसे आप लोग सपोर्ट करते हैं। हर किसी के अपने अपने मफादात हैं। आपने भी अर्ली 90s में भी आप यही किया था, अहमद शाह तालिबानी तालिबानी लड़ाकुओं को वहां पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जिस पंजशीर की बात कर रहे हैं, जिस अहमद मसूद की बात कर रहे हैं, उन्होंने तालिबानी लड़ाकों को तालिबानी आतंकियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब वो कह रहे हैं हमें बख्श दो, शांति प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, तो अब ये बात पाकिस्तान को कहां से हजम होगी? ये समझ सकते हैं, ये आपकी पीड़ा में समझ सकता हूं। बोलिए, सुबह मजाक अच्छा नहीं लगता, बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर दी। तालिबान को घुटने टेकने पर क्या मजबूर करेगा? CIA के जो चीफ है वो सीक्रेटली जाके काबुल में मीटिंग जो है वो मुल्ला बरादर से कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तालिबान कमजोर है? तो ये मुल्ला बरादर से तो आपके ISI चीफ जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं साथ में बैठ करके, आप उसे, मैंने तो ये रिपोर्ट नहीं दी, तो अमेरिका वाशिंगटन ने दिया ना, वाशिंगटन पोस्ट ने दिया, मैंने तो नहीं दिया। मोहम्मद जफीर तो एक कहावत है ना, एक कहावत है आपके यहाँ भी, वो कहावत बहुत मशहूर होगी, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए? तालिबानियों को पाल पोस के बड़ा किया, अब आपको उन्हीं से डर है? सर हमें किसी से डर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये कि ये आप दूसरे प्रोपेगेंडे कहाँ से ले आते हैं भाई? आर्मी जो तो आपके आपके फवाद चौधरी के पास ऐसे प्रोपेगेंडा कहाँ से आते हैं? टीटीपी को हिंदुस्तान से जोड़ रहे हैं की तस्वीर है उस पे, अरे आपको अरे दुनिया दुनिया हंस रही है आप पर, कल से मैं देख रहा हूँ कुगेंस हो रहे हैं भाई। आप अपडेट हो जाएं, अपनी टीम को बोले आप जरा रिसर्च करके आया करें और ये प्रोपेगेंडा ना करें यार। मोहम्मद जफीर साहब आपके सामने कोई भी रिसर्च करके आएगा ना, आपके सामने कोई भी रिसर्च करके आएगा तो आपके पास एक झूठ का इतना बड़ा मुलम्मा है ना, जिसमें आपको कुछ भी रिसर्च नजर नहीं आएगी। सुने, अरे तो आप, अरे आपको तो अपने नेता नजर नहीं आते हैं, आपको तो अपने ISI चीफ नजर नहीं आते हैं, जो तालिबान के बरादर के साथ बैठ के नमाज पढ़ते हैं। एक मेहमान ने कह दिया कि मैं इनको नहीं पहचानता, कौन कल को आपका इमरान खान कौन? अरे छोड़ देना, पाकिस्तान को पता है अपनी हिफाजत कैसे करनी है और हम अच्छे से जानते हैं। ये सबको पता है, ये बात सही कही, पाकिस्तान को अपनी हिफाजत कैसे करनी है, आतंकियों के दम पर करनी है, ये सबको पता है। कल खुद आपकी इमरान आपके खुद इमरान खान की पार्टी के नेता ने कह दिया कि साहब तालिबान हमें कश्मीर जीत कर देगा। आपको
पता है दुनिया को, दुनिया को पता है आपकी हिफाजत किनके हाथों में, सबको पता है। टीपी त्यागी साहब, टीपी त्यागी साहब देखिए, सच सच लाख ये छिपाने की कोशिश करे तो सच जुबान पर आ जाता है, सच जुबान पर आ जाता है। पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत किनके हाथों में? टीपी त्यागी साहब, पाकिस्तान की सूरत हाल पे आपने अपनी आवाम से इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। हिंदुस्तान के आवाम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हम इस खिस्से में कहाँ हैं? अरे हिंदुस्तान की आवाम छोड़ दीजिए, खुद आपकी पाकिस्तान की आवाम आपसे पूछ रही है कि आपकी सरकार क्या कर रही है। आपकी सरकार, आपकी सरकार अपने मुल्क की चिंता छोड़ करके अफगानिस्तान में तालिबान कैसे सत्ता पर काबिज हो, कैसे उसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल जाए, इसकी चिंता में लगे हुए हैं तालिबान खान साहब। टीपी त्यागी जी, टीपी त्यागी जी, पाकिस्तान को यू टर्न लेने की आदत है, खाली पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी। पहले तो यहाँ से सुन लीजिए कि वो रियासत मदीना का जिक्र करते थे, बाद में वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जिक्र करने लगे, बाद में चाइनीज गवर्नेंस का जिक्र करने लगे, और अब फिर वो तालिबान के सामने गड़गड़ा रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को मत छोड़ना। अच्छा, वो तो छोड़ दिए गए हैं, जेल से रिहा कर दिए गए हैं, और अब वो आ गए हैं, और जो और तुम्हारी आतंकी तंजीमें हैं वो सब आपस में मिल गई हैं। अब पाकिस्तान को यह डर है, डर क्या है, ये हकीकत है भाई, जो खोदेगा वो गिरेगा, जो सांप पालेगा सांप उसे काटेगा। आप मौका देख के लोग, आप सुनिए, आप मौका देख के अपनी चीजें बदल लेते हैं। क्या ये सच नहीं, क्या ये सच नहीं है कि आप भी वो देखिए, आप भी उन्होंने अपनी लाशों को, अपनी लाशों को पहचानने से मना कर दिया गया। आप वही लोग हैं ना, आप कोई लोग हैं, आप ये बताइए कि जाके मुल्ला की इज्जत पहचान का मना कर दिया था, आप वही लोग हैं, आप ये बताइए नुकसान पहुंचाने के लिए आतंक पैदा किया, और आज वो आतंक आपके सामने खतरा बन के खड़ा हुआ है, तो आपने हिंदुस्तान पे तोहमत लगानी शुरू कर दी। हिंदुस्तान ने कभी शिवम छाबड़ा, शिवम छाबड़ा, शिवम छाबड़ा, देखिए ये कह रहे हैं पाकिस्तान से हमारे साथ जो दो मेहमान जुड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का ये प्रोपेगेंडा है, टीटीपी को दरअसल में हिंदुस्तान मदद कर रहा है। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान के कभी कैरेक्टर में ये नहीं रहा। प्रदीप भाई, सबसे सबसे विचित्र बात तो यही है कि पाकिस्तान के लोग कौन से भ्रम में रहते हैं और कौन से जीवन में रहते हैं वही जानते हैं, वहाँ के पत्रकार और वहाँ के जो ये हम एनलिस्ट कहते हैं ये सच्चाई से कोसों दूर रहते हैं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान सही मायने में तालिबान का, तालिबान को पैदा करने वाला अगर आज की परिस्थिति के अंदर कोई व्यक्ति है, कोई देश है, तो पाकिस्तान है, इसको डिनाय नहीं किया जाता। उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सजग व्यक्ति इस बात को सिद्ध कर देगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर में जितना जितना अनरेस्ट है उसका उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। सुन तो लीजिए जमुन भाई, बात तो सुन लीजिए, अरे भाई आपकी बात मैंने शांति से सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। अरे आवाम को मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है सर, आपके आवाम को, आपके आपकी आवाम को आपके वजीर आजम साहब बहुत अच्छी तरह बताते हैं, बात बात पर यू टर्न करते हैं, तय मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे आवाम का काम ठीक है। उनको समझाए सर, मोदी सरकार की चिंता मत कीजिए, हमको प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता नहीं है, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है, जिसे एफएटीएफ के अंदर सेंक्शन, जो सेंक्शन बच जाए उसके लिए प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान, प्रोपेगेंडा करता है कि साहब ठीक है अफगानिस्तान में शांति कैसे चल रही है। अच्छा शांति नहीं होनी चाहिए तालिबान, तुम जनता द्वारा होगा। बहस में आगे बढ़े उससे पहले ब्रेकिंग सेंटर में मैं सीधे चलता हूं करिश्मा के पास, इस वक्त एक बड़ी खबर है करिश्मा। जी बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, पंजशील के लड़ाकों की एक और बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कोटल अंजुमन इलाके में मसूद के लड़कों ने तालिबान को खदेड़ के रख दिया, अहमद मसूद के कमांडर ने कोटल अंजुमन में जीत का दावा किया है। बड़ी खबर आपके सामने हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव
खबरें आपके सामने हम रख रहे हैं। पंजशील इलाका ये ऐसा इलाका जहां पर इन तालिबानियों की हिम्मत नहीं होती है घुसने की। अब इस पूरे इलाके में आपको बता दें एक और बड़ी जीत पंजशील के लड़ाकों की हुई है और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रही है। कोटल अंजुमन इलाके की ये तस्वीर जहाँ मसूद के लड़कों ने तालिबान को खदेड़ कर रख दिया और तालिबानियों को चुनौती देते हुए ये लड़ाके दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अब तालिबानियों के लिए मुश्किल यहां पर हो रही है क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जो तालिबानियों के कब्जे से कोसों दूर था। लेकिन तालिबानी अक्सर यहां पर जरूरत करते हैं, हिम्मत करते हैं कि यहां पर भी अपना पैर पसारें। लेकिन यहां पे आपको बता दें अहमद मसूद के जो लड़ाके हैं वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कार्रवाई करते हुए। ओवर टू स्टूडियो। चलिए भट्ट साहब, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से बेहतर है कि लड़ा जाए और ये आपको पंजशीर से सीखना चाहिए। भट्ट साहब ये तो बहुत अच्छी बात की है आपने और काश कि आप भी इसके ऊपर जो है वो अमल करते। नहीं, हमारी चिंता मत कीजिए। आप सुनिए, आप जिस मसाइल में अपने फंसे हुए हैं ना, घिरे हुए हैं, पहले उनको आप ठीक कर लीजिए, पहले उनको दुरुस्त कर लीजिए। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें और खबरें आपके लिए सबक है कि अभी भी संभल जाइए। अमेरिका ने आपको ऑफर की आए और टेक ओवर करें, आपकी तो हिम्मत नहीं, आप तो भागे वहां में लड़ लेते अफगानिस्तान में, अशरफ गनी की मदद कर देते। अशरफ गनी का मोदी साहब को जबियां डालता रहा है, आपने उसकी भी मदद नहीं की है, भागना पड़ा उस बेचारे को। अब अफगान की जनता खुद कह रही है कि इस पूरे फसाद के पीछे, पूरी साजिश के पीछे सिर्फ एक मुल्क है और वो है पड़ोसी पाकिस्तान। अब आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए जनाब, कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा प्रमाण चाहिए आपको? आपके मंत्री फवाद चौधरी कहते हैं कि टीटीपी को हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, जफीर साहब कह रहे हैं कि आपका रिसर्च, मैं आपको जरा याद दिला देता हूं, 2020 आप ही के मंत्री फवाद चौधरी कहते हैं हिंदुस्तान के पुलवामा में अटैक पाकिस्तान सरकार की बड़ी कामयाबी है। यह है आपका असली चेहरा और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान का टीटीपी से ताल्लुक है। आप सिर्फ ये बताएं कि सफीउल्लाह मुजाहिद ने कल अपनी इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप बताइए जफीर साहब, निकालिए रिसर्च अपना और बताइए आपकी सरकार के मंत्री कहते हैं कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है और उसके बाद कहते हैं कि साहब आतंक हम नहीं पैदा करते। सोशल मीडिया के सामने ये बात कही है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा करने वाला है। साहब जवाब नहीं, आपके पास जवाब नहीं, क्योंकि आपको जवाब देने लायक आपकी हुकूमत ने छोड़ा नहीं है, आपको जवाब देने लायक छोड़ा नहीं है। मजाक मत किया करें, हुकूमतें हमारी जो है, हमें पता है, हम मोदी तो अभी आपको जवाब नहीं सूझ रहा है ना। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूं, अगर थोड़ी भी इंसानियत होगी ना इन तस्वीरों को देखकर, आप ही के मुल्क की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, पेशावर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। 7 साल पीछे मैं आपको ले चलता हूं, 2014 याद है स्कूल में किस तरीके से वहां पर आतंकियों ने कोहराम मचाया था, जरा वो तस्वीरें दिखाइए और उनको सुनाइए जरा। ये 16 दिसंबर 2014 का दिन, पाकिस्तान के पेशावर में एक आर्मी स्कूल में सबसे बड़ा आतंकी हमला होता है, 150 से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं इसमें। इस हमले का आरोप लगा था किस पर? टीटीपी पर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर, जिससे सहमा हुआ डरा हुआ है पाकिस्तान। और इसी आतंकी संगठन को पैदा किसने किया? खुद पाकिस्तान ने। सुनिए जरा, साफ बोल जाना थे, फायरिंग से पता चल रहा था कि कम से कम 20-25 से तो ज्यादा ही थे। अचानक से फायरिंग शुरू हुई है, दोबारा थोड़ी देर रुक गई, फिर दोबारा से शुरू हुई, तो हमारे मैडम और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमें बाहर निकाला कि जल्दी जाओ, सेफ जगह पे बिठाया। शर्म नहीं आया कि इन मासूम बच्चों का कसूर क्या था? वो दहशतगर्द भी बाप होंगे, किसी के बेटे होंगे, उनके बच्चों को इस तरह मार दिया जाए, क्या गुजरेगी उनके दिल पे? इन्होंने जो 130 घर उजाड़ दिए, इन मुजरिमों को यूं ना मारें, इनको इतनी बृहतनाक सजा दें, इनको शूट ना करें, इनको पकड़ के इतनी बृहतनाक सजा दें कि दोबारा किसी माँ की गोद ये ना उजाड़े। उन माओं पे क्या गुजर रही होगी, उन वालदेन पे क्या गुजर रही होगी जो अपने बच्चों को इस हालत में रखेंगे? जफीर साहब, जिस तालिबान को आप शह दे रहे हैं ना, जिस तालिबान के लिए आप दुनिया भर से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ना, उन्हीं के भाई हैं टीटीपी, जिन्होंने आपको घायल किया। आप अपने मुल्क की इस तस्वीर को,
इस दर्द को कैसे भूल सकते हैं? जफीर साहब जरा बताइए। हम बिल्कुल नहीं भूल सकते और ना भूलते, हमें पता है दहशतगर्द होता है। हम ये बात पहले कह चुके हैं, आप क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे हैं, ना हिंदुस्तान ये समझना चाहता है। भाई दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। अरे पूरी दुनिया समझ चुकी है साहब, पूरी दुनिया समझ चुकी है, आपसे ज्यादा पीड़ा पूरी दुनिया भर कोई, लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ा। वरना इस तस्वीर के बाद, इस तस्वीर के बाद आप कभी तालिबान के लिए पैरवी नहीं कर रहे होते। किसी की हिंदुस्तान का बच्चा मरे या पाकिस्तान का बच्चा मरे, नुकसान है, ये इंसानियत का कत्ल है। हम नहीं चाहते कत्ल होगा, तो हम यही तो चाहते हैं कि हम नौमान बहाल हो, हम बहाल होगा तो ये सीता, ये पूरा डिवीजन तरक्की करेगा, ये डिवीजन तरक्की करेगा, इस चीज पर संदेह है। इंडियन मीडिया को, मैं रमनीश वत्स को भी शामिल करूंगा डिबेट में। रमनीश वत्स, ये तस्वीर मुझे दिखानी इसलिए जरूरी थी कि पाकिस्तान को यह देखना और समझना चाहिए, शायद अगर उनके अंदर थोड़ी भी मानवता होगी, इंसानियत होगी, तो इस तस्वीर को देखकर समझेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस तालिबान पर भरोसा करने जा रहे हैं। रमेश वत्स, मोहम्मद जफीर सुन लीजिए, मोहम्मद जफीर सुनिए, आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, दहशतगर्दी और पाकिस्तान के रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि ये आतंकिस्तान का रूप ले रखा है। आप देखिए जितने भी देश में घटनाएं होती है, हमारे देश में भी, उसमें किसका हाथ होता है? पाकिस्तान का। आज आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबान को पालने वाला कौन है, इसका जन्मदाता कौन है, इसका फाउंडर कौन है? वो है आतंकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ने उसको साथ दिया, पाकिस्तान ने उसको साथ दिया। ओसामा बिन लादेन कहां पाया जाता है? ओसामा बिन लादेन को यूएसए ने कहां से उसको निकाला था? ओसामा बिन लादेन कहां छुपा था? आज हमारा देखिए, अफगानिस्तान जो अमन चैन की सांस ले रहा था, वहाँ सुकून का सांस ले रहा था, और आप क्या कर रहे हैं उसके साथ? आप तालिबान, टीपी त्यागी साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब वाकई में इस मसले को लेकर के संजीदा है? उनकी पार्टी की एक नेता कहती है खुलेआम आकर के कि हमें तालिबान कश्मीर जीत कर देगा, और दूसरी तरफ वो पार्टी उस तालिबान के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि टीटीपी को कहो कि साहब यहां पर ज्यादा दहशत ना मचाए। क्या आपको लग रहा है कि तालिबान ऐसा करेगा, वो तालिबान जिसकी मदद की है टीटीपी ने? जी, यही तो इनका दोहरा चरित्र है। ये पाकिस्तान की संसद के अंदर पुलवामा के अटैक की कामयाबी का जश्न मनाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम कत्लों गारत में विश्वास नहीं रखते। आतंकी घटना कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, कहीं ना कहीं से लिंक पाकिस्तान से मिल जाता है। फिर ये कहते हैं कि नहीं जी, ये जो आतंकवाद को पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान बढ़ावा दे रहा है। अब आपके बाद आपने पूरा ये दहशतगर्द पता नहीं पाकिस्तान के लोगों के साथ हमें कैसे बिठा लिया जाता है। तुम हमारी बराबरी को छोड़ो, हम दूर तक भी कंपेरिजन नहीं है। आपने देखा अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भंडारी, में से 183 देश भारत के साथ थे। पूरी सिक्योरिटी काउंसिल के 15 के 15, जिसमें 500 परमानेंट मेंबर भी हैं, भारत के साथ थे, और आप कहां खड़े? मुझे ब्रेक में जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं शिवम छाबड़ा आपसे चाहूंगा कि एक छोटा सा कमेंट आप जल्दी से करें। देखिए, ये बार बार कह रहे हैं ना कि साहब आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, इसलिए मैंने 2020 का फवाद चौधरी का वो बयान इनको बताया कि क्या कहा था फवाद चौधरी ने कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान सरकार की बड़ी कामयाबी है। शिवम छाबड़ा, देखिए पाकिस्तान, एक बात तय है कि आतंक का जन्मदाता अगर कोई है तो पाकिस्तान है। चाहे हिंदुस्तान के अंदर में जितनी एक्टिविटी आप देख ले, अफगानिस्तान के अंदर में अनरेस्ट, वो इस बात को किसी भी तरीके से हिंदुस्तान क्या कर रहा है, इसके अफगानिस्तान विकास की राह चल चुका है, इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने दोबारा तालिबान को जन्म देने का काम किया। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के अंदर में जिस प्रकार से आपने वीडियो जो दिखाया, जो आपने खबर दिखाई, 150 से अधिक बच्चे तहरीके तालिबान, अरे जफीर साहब सुनने की हिम्मत रखिए, जफीर साहब सुनने की हिम्मत रखिए, उन्होंने अटैक किया, उसके बावजूद उनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता है, कोई चरित्र नहीं होता है। आतंकवाद होता है, लेकिन उसका जन्मदाता अगर कोई है तो पाकिस्तान है। और ये नहीं, ये बातें पूरी दुनिया में जगजाहिर है, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है
कि खुद पाकिस्तान जो आतंकी घटनाओं से लहूलुहान है वो इस बात को नहीं समझ रहा। डिबेट को आगे बढ़ाएं, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, पंजशीर घाटी की जंग में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा है। तालिबानी लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस की फौज ने बढ़त बनाई हुई है, भारी हथियारों के साथ तालिबान पर हमला किया जा रहा है और तालिबान की तरफ से नॉर्दर्न अलायंस के सामने ये कहा जा रहा है कि शांति समझौता कर लो, लेकिन साफ साफ शर्त पंजशीर घाटी की तरफ से, नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से, अहमद मसूद की तरफ से कह दिया गया कि पहले तुम अपना रवैया बदलो, उसके बाद ही बातचीत होगी, वरना जंग के मैदान में आओ और उसके बाद देखे किसमें कितना दम। तो आप देख रहे हैं 10 का दंगल, और 10 का दंगल में बहस इसी विषय पर हो रही है, इसी मुद्दे पर हो रही है कि पाकिस्तान कितना झूठ बोलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश तो रच रहा है, लेकिन खुद अपने किए हुए कर्म में फंस रहा है। कहते हैं ना कि दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसी गड्ढे में जाकर के गिर जाता है, जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। वो पाकिस्तान जो गुड तालिबान बैड तालिबान करता था, मतलब ये साहब ये तालिबान अफगानिस्तान वाले तालिबान बहुत अच्छे हैं और ये टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान बैड तालिबान है, और आज वो खुद गुड और बैड तालिबान के चक्कर में वो उसकी जान खुद फंस गई है। खुद इमरान खान जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब टीटीपी को कह दीजिए कि हमारे यहां आतंक ना फैलाए, जबकि तालिबान ने 2300 खूंखार आतंकियों को छोड़ा है जिसमें टीटीपी का डिप्टी चीफ भी शामिल है, और उसको उसके साथ साथ 8 आतंकियों को पाकिस्तान को बर्बाद करने का रोडमैप टीटीपी ने दे दिया है। अब समझ गए असली वजह कि क्यों पाकिस्तान की गिड़गिड़ा रहा है और क्यों प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान के खिलाफ फैलाने की कोशिश कर रहा है। चलिए डिबेट में मैं बाकी मेहमानों को और शामिल करूं, उससे पहले एक बड़ी खबर जल्दी से ब्रेकिंग सेंटर से आपको दिलाता हूं करिश्मा जी। लगातार हम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पंजशीर से जुड़ी है इस वक्त एक बड़ी खबर। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ अब नॉर्दर्न अलायंस ने पूरी ताकत झोंक दी है, तालिबान के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि 8000 से ज्यादा मुजाहिदीन वहां पे तैनात हैं, कई मोर्चे पर तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा है, तो तालिबान अब धीरे धीरे बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है पंजशीर इलाके में। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से पंजशीर में जो तालिबानी है वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वहां पर भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनके जो मंसूबे हैं वो वहां पे कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मसूद के जवान अलग अलग मोर्चे पर तैनात हैं, और ये जानकारी मिल रही है कि 8000 से ज्यादा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर तालिबानी यहाँ पे सोचते हैं घुसने की या यहाँ पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो जवान है, ये जो यहाँ पर जवान है, ये पूरी कोशिश करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब देने की। तो 8000 से ज्यादा मुजाहिदीन यहाँ पे तैनात है, आप देख सकते हैं तस्वीरों पर। ओवर टू स्टूडियो। ये तस्वीरें आपको दिखाने इसलिए भी जरूरी है कि देखिए ये मत समझिए कि पूरे के पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। एक इलाका ऐसा है जहां के लोग डटे हुए हैं, भले ये पाकिस्तानी मेहमान हमारे कहें कि साहब ये विद्रोही हैं, लेकिन उनके अंदर कम से कम इतना जमीर जिंदा है कि वो अपने हक के लिए, अपनी जमीन के लिए आतंकियों से लड़ रहे हैं। ना सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि ढेर करके उनको धूल भी चटा रहे हैं। मैं भट्ट साहब आप ही के पास आ रहा हूं, ये भस्मासुर हो गया है क्या तालिबान पाकिस्तान? अच्छा, देखिए ये आपने जो भी पूरी इंट्रो दिया ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था, और अगर मुझे खुशी होगी कि आप ये पूरा नहीं, आपको तो इंटरेस्टिंग लगेगी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी, और इससे पहले 7 साल पुराना जो वीडियो आपको दिखाया था आप ही के मुल्क का, वो भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, जिसने दुनिया का कलेजा चीर दिया था वो वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है, यही तो सबसे अफसोस और शर्म की बात है की बात है कि आपको इन तस्वीरों को देखकर हंसी आती है, आपको ये दिलचस्प और इंटरेस्टिंग लगता है। मैं बताता हूँ क्यों आती है, मैं बता रहा हूँ ना क्यों आती है, सुने। अब अगर ये वाला पूरे का पूरा सीन जो है, अच्छा हिंदुस्तान आपके लिए अहमद मसूद आतंकवादी है, और आपके लिए तालिबान क्या है, फिर आपके लिए तालिबान क्या है? पीस मिशन का एम्बेसडर है क्या वो? पीस मिशन का एम्बेसडर है क्या वो? आप अहमद शाह मसूद को ह्यूमनराइट का चैंपियन समझते हैं? आप क्या समझते हैं? अरे अरे दुनिया उसे आतंकियों के गाल पर तमाचा जड़ने वाला योद्धा मानती है। आप शर्जील इमाम को और उसकी पूरी की पूरी जो टीपी त्यागी साहब सुन रहे हैं, मतलब सुनिए इनके लिए तालिबान का डेफिनेशन,
इनके लिए तालिबान मतलब किसी शांति मिशन का एक राजदूत है। जरा सुन लीजिए, रशीद त्यागी साहब पाकिस्तान को चलाने वाली ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आतंकी मानते हैं और जो दूसरे तालिबान है उन्हें वो देशभक्त पीस एम्बेसडर मानते हैं। शिवम छाबड़ा साहब, शिवम छाबड़ा साहब, शिवम छाबड़ा साहब, ये इनकी इनकी खुद की औकात नहीं है और ये तालिबान के दम पर, तालिबान के दम पर कश्मीर जीतने का ख्वाब पाल रहे हैं। शिवम छाबड़ा साहब और मैं बार बार एक बात आपको कह रहा हूँ, आप इमरान खान साहब को इतनी तवज्जो ना दें। इमरान खान वो व्यक्ति है, वो करता है जो आईएसआई उसको कहती है। इमरान खान साहब वो करते हैं जो उसको आईएसआई डायरेक्ट करती है। आईएसआई की अपनी क्षमता जो है वो, क्योंकि हिंदुस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उन्होंने तालिबान को दोबारा से जिंदा कर दिया। साहब आप वहां से शुरू कर दीजिए, हम यहां से शुरू करेंगे, चीन हमारा साथ देगा, हम हिंदुस्तान को किसी प्रकार से तंग कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इमरान खान को बहुत तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ वही करता है जो उसको आईएसआई आदेश देता है। आईएसआई पाकिस्तान को चलाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई किसी आदमी को डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर में किस प्रकार की हताशा पाकिस्तान झेल रहा है ये सब जानते हैं। एफएटीएफ के अंदर में उनको सैंक्शन झेलना पड़ रहा है। इस्लामिक देश जितने विश्व भर के हैं उन्होंने उसको बाहर का रास्ता दिखा रखा है। कि साहब अपनी औकात में आइए आप लोग, इसके बाद भी इनको टिप्पी त्यागी साहब, टिप्पी त्यागी साहब जरा मेरे हमारे पाकिस्तान के मेहमानों को शायद हमारे पाकिस्तान के मेहमानों को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। जरा बताइए कि ये टीटीपी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है जिससे इमरान सरकार डरी हुई है। आपको क्या याद नहीं है, ट्रेलर तो दिखा चुके हैं भाई, ट्रेलर तो 7 साल पहले दिखा चुके हैं, जो मासूम बच्चों की जान ले सकता है, जो माओ की कोक को सूना कर सकता है, वो टीटीएफ है। इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये सीखने की जरूरत पाकिस्तान को है। पाकिस्तान को तय करना है कि उसको तालिबान का साथ देना है कि शांति का साथ देना है। देखिए सीधा सवाल, सीधा सवाल शिवम छाबड़ा ने भी कह दिया, शिवम छाबड़ा ने भी सवाल किया कि आपको तय करना आप किसके साथ खड़े रहेंगे। क्या आप उस क्रूर तालिबान के साथ खड़े रहेंगे जिसने 7 साल पहले आपके मुल्क में मासूमों की जान ली थी, जिसने पिछले एक दशक के दौरान पाकिस्तान को न जाने कितनी मर्तबा लहूलुहान किया है, क्या आप उस तालिबान के साथ खड़े रहेंगे? उसकी आप करते हैं, आवाज आ रही है जो मासूम औरत चाहे मासूम बच्ची सबसे बड़ी दिक्कत क्या यही है कि आप अपने मसाइल को सुलझाना है दूर, उसके बारे में सोचने तक नहीं है। आप पड़ोसियों के खिलाफ कैसे साजिश करनी है इसी में आपका पूरा वक्त जाया होगा। लगातार मैं मोहम्मद जफरी के माध्यम से सुन रहा हूँ, ये बार 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 एक ही शब्द दोहरा रहे हैं। आपको इतनी टेंशन है हमारे साहब, हम तो यही कह रहे हैं। अरे अरे सारे टीपीसी साहब, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि हम इनकी बात करें, हम समाज की तरफ आए ना, आगे बढ़े। आप हिंदुस्तान हमेशा हम तो समझदार करने में हिंदुस्तान ने अपना दहशतगर्द किरदार अदा किया, हम तो कहते हैं आए हम इनकी तरफ, क्यों नहीं आते रमेश्वर? रमेश्वर ये सब बार बार अमन 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 शांति की बात कर रहे हैं और बात किस तरह की शांति की बात कर रहे हैं, जरा नहीं हो सकती, जरा समझाइएगा क्या आप? कल ही ट्रेलर दिखा दिया था शांति का,
अमन के लिए इमरान पार्टी के नेता ने कहा था कि तालिबान की मदद से कश्मीर जीतेंगे, ये उसी शांति की बात कर रहे हैं क्या रमेश भाई? शांति बहुत बड़े इमरान खान आपने शांति इमरान खान ने बहुत बड़े शांति आप बताइए फिर भी आप तालिबान के मुकाबले क्यों बदतर करने बैठे हैं? आप ये बताइए आप तालिबान आतंकवाद साथ देना चाहते हैं जो औरतों के ऊपर जुल्म करता है, जो महिलाओं के ऊपर क्रूर जुल्म कर रहे हैं, जो लगातार जुल्म कर रहे हैं, आप उनका साथ देना चाहते हैं? जो 1999 में कांधार घटना जो हाईजेक हुआ था उसमें आप ही का कनेक्शन पाया गया था, उसमें भी मोहम्मद उमर जो है वो आप ही के यहाँ से है उसका सीधा कनेक्शन, वो पाकिस्तान से ही सारा कनेक्शन है। हाईजेक जो हुआ था 1999 उसका किसमें उसका कनेक्शन किसमें था? आपके यहाँ से था, पाकिस्तान से था। आज जितने भी सारे कनेक्शन आतंकी घटनाएं जितनी भी हो रही हैं देश में इंटरनेशनल आप देखिए स्तर पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किसका कनेक्शन पाया जाता है उसमें भी पाकिस्तान का ही समझ। आप देखिए रसिया में जो हमला होता है उसमें ब्रिटेन में आप जो हमला होता है उसमें किसका कनेक्शन उसमें भी पाकिस्तान है। आप कहाँ जाएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? आप दहशतगर्दी की बात करते हैं लगातार आपके मुंह से, अमन चैन की बात मैं सुन रहा हूँ, आप किस अमन की बात करते हैं, किस चैन की बात करते हैं? जो आप ही के यहाँ 2000 में आप बताइए ना 2014 में 24 दिसंबर 2014 में जो 130 मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई जो साजिश पाकिस्तान न जाने कितने सालों से रच रहा था, आज जब तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज होने जा रहा है तो अब ये उसी जाल में फंस गए हैं पाकिस्तान के इमरान खान साहब, पूरी तरह फंस गए हैं सर। और पता लगेगा इन्होंने ये हुक्म दिया था कि जो वहां पे तालिबान के कब्जे में हिंदुस्तान के एसेट्स थे उन्हें तबाह कर दो, और जिनमें सलमा डैम भी आता था, लेकिन जब सलमा डैम के ऊपर वहां पे तुम्हारे तालिबानी पहुंचे तो वहां के आम नागरिक आगे खड़े हो गए और उन्हें भागना पड़ा कि ये डैम हमारे पानी पीने के लिए है। तो तुम्हारी ऐसी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की वजह से, तुम्हारे हर आतंक में हाथ होने की वजह से आज हिंदुस्तान में आप कहीं के भी नहीं, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं के भी नहीं रह गए हो। ऊपर से आप तोहमत लगाते हो कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किसको मारा था? आपने उन बच्चों को मारा था जो आर्मी ऑफिसर के बच्चे थे। मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूँ कि उसके पीछे एक कारण था, और वो कारण ये था कि तुम्हारी जल्दी से उस वक्त ब्रेकिंग सेंटर चलता हूँ। इस वक्त करिश्मा के पास एक बड़ी खबर है, करिश्मा जी बिल्कुल। एक तरफ तो देखिए पंजशीर में तालिबानियों का घुसना मुश्किल हो चुका है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी खबर मिल रही है नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ छोटे तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हिंदुस्तान पर तालिबानी हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, आप तक हम अब कुछ ही देर में वो वीडियो पहुंचाएंगे। आपको बता दें अब छोटे तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ, तोप से हमला कर ये तालिबानी वहां पर दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा वीडियो सामने आया है, देखिए छोटे छोटे तोपों का यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ तो तालिबानी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन पंजशीर एक ऐसा इलाका जहां पर ये तालिबानी घुस नहीं पा रहे हैं, इनके जो पूरे मंसूबे हैं वो नाकामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब अलग अलग तरीका अपनाया जा रहा है। छोटे छोटे तोपों के जरिए नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ यहां पे हमला किया जा रहा है, सीधी तस्वीरें सी हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है। तो सी हिंदुस्तान पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो कि किस तरीके से ये तालिबानी अलायंस से जंग लड़ रहे हैं, तालिबानी आतंकियों की तस्वीरें जो छोटे छोटे तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं इस जंग में। हालांकि 350 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे जा चुके हैं। जफीर साहब ये आपके देखिए पीस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं ये तस्वीरों में, देखिए जरा जफीर साहब। देखिए सुने ना, देख ली हमने, देख पंजशीर का मसला क्या है, वहां पे तालिबान चाह रहे हैं कि अमलामान के
से ही मामला हल हो जाए, मुजाकरात के जरिए हल हो जाए, जल्द नहीं चाहते। अच्छा देखिए, ये बैठक चल रही है, मतलब है ना, ये बैठक चल रही है, शांति शांतिपूर्ण बैठक चल रही है। ये तोप हमें नजर नहीं आ रहा है, ये तोप के गोले नहीं दिख रहे हैं, ये हथियार हमें नहीं दिख रहे हैं, सब के सब जो है ये पीस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर सब है, क्रांतिकारी नेता के रूप में मोहम्मद मसूद और मोहम्मद साले। आप देखेंगे कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से वो जो है आजाद कराया गया लड़ाइयों से, आप देखेंगे 75,000 प्यार मोहब्बत ये तालिबान तालिबान की प्यार मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दिखती है, सिर्फ पाकिस्तान को ये प्यार मोहब्बत दिखती, पूरी दुनिया को नजर नहीं आती, सिर्फ ये प्यार ये मोहब्बत ये सिर्फ पाकिस्तान देखता है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, जफीर साहब और भट्ट साहब, जफीर साहब भट्ट साहब, आप ही के लिए TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिससे दरअसल में हालत खराब है इस वक्त इमरान सरकार की। अब ये देखिए उनके एक कमांडर ने इंटरव्यू में क्या कहा था आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान दरअसल में डबल गेम करता है वो सुन लीजिए, हिम्मत रखिए सुनने की, हिम्मत रखिए ये आपके टीटीपी पाले हुए टीटीपी के कमांडर का बयान है। पाकिस्तान शरिया कानून के लिए अफगान तालिबानियों और दूसरे अन्य मुस्लिम संगठनों को हमेशा आगे बढ़ने और लड़ने की सलाह देता है, जो तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में बात कहकर हाथे पीछे खींच लेता है। तहरीके तालिबान कह रहा है अब ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान में अब काफिरों की व्यवस्था बहुत जल्द बदलने वाली है, यह है आपका डर, इसलिए गिड़गिड़ा रहे इमरान खान, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के टुकड़े करने का प्लान बना लिया है, यह है दिक्कत। अब जवाब दीजिए आपके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडर का दिया हुआ इंटरव्यू है। नाजी जिस जो इसको प्रोपेगेंडे का चूड़ी का बानी है ना, आपने तो नाजी को पीछे छोड़ दिया, इतना प्रोपेगेंडा, इतना झूठ और इतना फंदे। अच्छा आते हैं आप यार, मतलब आपके फवाद चौधरी आपकी सरकार के मंत्री पुलवामा अटैक को अपनी सरकार की कामयाबी बताते हैं, इससे भी आप इनकार करें, इससे भी इनकार करें, मतलब मुझे लग रहा है कि आपके सामने इन बातों का, इन सबूतों का, इन तस्वीरों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने आंखों में पट्टी नहीं बांधी, दरअसल में आपके आंखों में देखने की शक्ति जा चुकी है, आप देखना ही नहीं चाहते। सुने बिल्कुल है मतलब ये है कि आप जिस तरह इसको एंगलिंग कर रहे हैं और जिस तरह आप अपना एजेंडा सेट करके इसकी फ्रेमिंग कर रहे हैं ना, हमें उस पे वाह वाह एजेंडा सेट कर रहे हैं, अरे क्या एजेंडा आप चला रहे हैं, एजेंडा आप क्या वहां पर साजिशें कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है, अफगान के लोग, अफगानिस्तान के लोग चला रहे हैं वो अपनी बस, शिवम छावड़ा साहब ये हमें नसीहत दे रहे हैं, सियासत को इनकी हैसियत है हमें नसीहत देने की, शिवम छावड़ा चीन से उसको प्रोपेगेंडा करने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के चैनलों को बिल्कुल भी नहीं है। मैं केवल सीधा सीधा प्रश्न था पाकिस्तान के हमारे मेहमानों से कि क्या आप तालिबान का समर्थन करते हैं, हाँ या नहीं, हाँ तो बोल दीजिए, नहीं तो बता दीजिए। दूसरी बात, आपने बात की प्रोपेगेंडा की, अरे सब प्रोपेगेंडा तो आप लोग चलाने का काम करते हैं, आप लोगों को लग गया कि साहब देश के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आतंकवाद कैसे खत्म हो रहा है, आपने कहा अफगानिस्तान जैसा देश शांति की तरफ क्यों दौड़ रहा है, वहां विकास क्यों हो रहा है, आपने कहा नहीं नहीं उसको बंद कर देना चाहिए, आपने चीन का साथ दिया, वहां पर दोबारा से तालिबान को पैदा कर दिया, कितनी शर्मनाक बात है, उसके बाद आप बातें करते हैं प्रोपेगेंडा की। दूसरी आपने ये कहा भाई, ओ भाई, कभी कभी नेशनल मीडिया को भी सुन लिया करो, इससे ज्यादा शर्मनाक आपको इंटरनेशनल मीडिया को सुनने की जरूरत है, आप लोग इंटरनेशनल मीडिया के हिंदुस्तान के लोग सुनने का शिकार प्रॉपर शिकार हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ हिंदुस्तान को कि आपकी फैमिली साथ की हमने देखते हैं, इसके अलावा कोई खबर नहीं देखते हैं, ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा का शिकार है आपके। आखिरी कमेंट टीपी त्यागी साहब बात उससे की जाती है जो कम से कम समझने को तैयार हो, यहाँ तो पाकिस्तान न समझने को तैयार है न इन तस्वीरों को देख करके उसका दर्द भी उसे हो रहा है, वो देखने तक को तैयार नहीं। टीपी त्यागी साहब आखिरी कमेंट, हाँ कहने के बाद
ये समझ में आ जाए कि मैंने गलत कहा था, मगर उसके बाद भी आप उस पर अड़े रहो। अड़ियल अब ये अड़ियल करने वाला भाई साहब बंद कीजिए, समझ जाइए आप ही आदमी की जिंदगी है, आपके ऊपर ही इसका इम्पैक्ट होगा। अब भी समय है, हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे साथ चैन से रहे, और यही कारण है कि हमने सीज फायर भी एक्सेप्ट कर लिया, यही कारण है कि हमने वीजा भी दे दिया, आपके लोगों को वीजा भी दे दिया, सीज फायर भी एक्सेप्ट कर लिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। तो एक पड़ोसी के नाते अच्छा होगा कि आप कम से कम डबल स्टैंड और हिंदुस्तान को जबरदस्ती ये कहना कि साहब ये आतंक को बढ़ावा दे रहा है, ये टीटीपी को दे रहा है, ये कहना बंद कर, दुनिया तो सब आई थी पाकिस्तान उसी दिन सुधर जाएगा जिस दिन उसे एहसास हो जाएगा कि हमें सांप नहीं पालना, दूसरों के लिए साजिशें नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, 10 का दंगल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दूं ठीक 10 मिनट के बाद फेसबुक पर आपसे मुलाकात होगी, जहां पर आपकी राय और आपके सवालों का स्वागत होगा। शुक्रिया।